हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम करेंगे वो सी के अंदर फाइल सिस्टम के अंदर हम जो करेंगे वो दैट इज बाइनरी फाइल्स पर काम कर देखेंगे। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक एम्प्लॉय का मेन्यू क्रिएट कर ले रहे हैं। दैट मीन्स एक एम्प्लॉय के डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हम एम्प्लॉय को ऐड करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, डिस्प्ले कराएंगे और एग्जिट मॉडिफाई कर लिया, ऐड कर लिया हमने, मॉडिफाई कर लिया, डिस्प्ले कर लिया और डिलीट करेंगे और एग्जिट करेंगे। दैट मीन्स हमारे पास ये पांच ऑप्शन होंगे कि हम एम्प्लॉय का रिकॉर्ड ऐड कर सके, मॉडिफाई कर सके, डिस्प्ले करा सके, डिलीट कर सके या फिर हम बाहर आ सके। तो हमें इसके लिए हम क्या करते हैं, एक मेन सबके लिए फंक्शंस क्रिएट कर लेंगे। ऐड के लिए एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे, मॉडिफाई के लिए एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे, डिस्प्ले के लिए एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे और डिलीट के लिए एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे। आज जो हम फंक्शंस पढ़ेंगे वो एम्प्लॉय को ऐड करने के लिए और डिस्प्ले करने के लिए पढ़ लेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिलीट और मॉडिफाई करने के लिए पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हमें ये एक लेआउट तैयार करना पड़ेगा जिसके अंदर ये मेन्यू डिस्प्ले हो सके। तो उसके लिए वो हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन के अंदर उसको डिस्प्ले करा लेते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि हमें एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉय का रिकॉर्ड ऐड करना है तो हम क्या कर ले रहे हैं, एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर ले रहे हैं। तो हमने स्ट्रक्चर कहाँ क्रिएट करा, दैट इज एक ईएमपी नाम का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। तो हमारा स्ट्रक्चर का नाम क्या है, दैट इज ईएमपी है, जो आप यहाँ देख पा रहे होंगे। ईएमपी हमारा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर हमने क्या करा, एक नेम वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर आप 50 कैरेक्टर्स स्टोर करा सकते हो। एक सैलरी वेरिएबल ले लिया जो फ्लोट डेटा टाइप का, एक इंटीजर डेटा टाइप एज का ले लिया और एक एम्प्लॉय आईडी के लिए एक आईडी वेरिएबल ले लिया। उस स्ट्रक्चर का हमने एक क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, ईएमपी स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम हमने क्या रख दिया, ई रख दिया। फिर हमने एक वेरिएबल लिया दैट इज लॉन्ग एंड और उस वेरिएबल का नाम हमने क्या रखा, साइज। और हमने क्या निकाला, साइज ऑफ ऑपरेटर के थ्रू हमने इस वेरिएबल का, दैट मीन्स इस एम्प्लॉय जो आपका ऑब्जेक्ट है इसका साइज ले लिया है। फिर हमने एक फाइल पॉइंटर एफपी ले लिया, एक फाइल पॉइंटर एफटी ले लिया, दैट मीन्स हमने दो फाइल पॉइंटर्स लिए हैं। देन हम अपने मेन प्रोग्राम स्टार्ट करें और हमने एक वेरिएबल ले लिया दैट इज चॉइस। फिर हमने एक फाइल ओपन कराई है, कौन सी, डेटा डॉट टी एक्स टी, रीड बाइनरी मोड में। हमने किस मोड में ओपन करा, दैट इज रीड बाइनरी मोड में। और हमारा क्या करेगा, वो किसके अंदर चला जाएगा, उसका रेफरेंस एफ पी वेरिएबल के अंदर चला जाएगा। हमने चेक कराया एफ पी क्या है, नल है। अगर एफ पी नल है दैट मीन्स वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर ऐसा है तो वो क्या करे, एफ पी इक्वल्स टू एफ ओपन डेटा डॉट टी एक्स टी किस मोड में ओपन कर दे, राइट बाइनरी मोड में ओपन कर दे। हम किस मोड में ओपन करा लेंगे, राइट बाइनरी मोड में। अगर उसके बाद भी हमारा क्या होता है, जो फाइल रेफरेंस पॉइंटर होता है वो नल होता है, तो हम क्या मैसेज दे देंगे, कैनॉट ओपन अ फाइल। दैट मीन्स ना ही वो फाइल एग्जिस्ट करती है, ना ही हम वो फाइल किसी वजह से बना पा रहे हैं। तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या मैसेज ओपन प्रिंट हो जाएगा, कैनॉट ओपन अ फाइल। ये तो हमारा फाइल के लिए हो गया। फिर जब स्क्रीन पे मेन्यू डिस्प्ले कराना है तो हमने क्या करा है, सबसे पहले कि हमने यहाँ पर टेक्स्ट मोड 1 ले लिया है। नॉर्मली आपकी जो स्क्रीन का साइज होता है करेक्टर मोड में वो 80 कॉलम्स और 25 रोज होती हैं। तो हमने क्या करा, उसको टेक्स्ट मोड 1 क्या करेगा, आपका आपकी स्क्रीन का साइज जो होगा वो 40 कॉलम्स और अप्रोक्स 15 रोज का कर देगा, दैट मीन्स हाफ कर देगा उसका। गो टू एक्स वाई किस लिए काम में आता है, आपके फाइल आपका जो कर्सर होता है उसका पोजीशनिंग जो होती है उसको प्लेस करने के लिए काम में आता है। दैट मीन्स आपने क्या करा, गो टू एक्स वाई 10.10, तो क्या करेगा, 10.10 पर जाने के बाद, 10th कॉलम और 10th रो पर जाने के बाद सेट कर्सर टाइप 0। नॉर्मली क्या होता है, जब आप कोई चीज़ प्रिंट करते हो तो आपका कर्सर वो ब्लिंक कर रहा होता है, उसके बाद सेट कर्सर टाइप 0 क्या कर देगा, आपके कर्सर को हाइट कर देगा। टेक्स्ट कलर 4+128, 4 जो है, 4 जो कोड है वो किसका है, आपका जो 4 कोड है वो रेड का है और 128 जो है वो ब्लिंकिंग के लिए काम में आता है। दैट मीन्स आपका जो टेक्स्ट लिखा हुआ रहा होगा वो रेड कलर से लिखा हुआ रहा होगा और वो ब्लिंक कर रहा होगा। फिर हमने वहाँ पे क्या लिखा दिया, सी प्रिंट एफ क्या करता है, कलर प्रिंटिंग के लिए काम आता है। वहाँ पे क्या लिखा हुआ जाएगा, 10.10 पे एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम लिखा हुआ रहा होगा, रेड कलर से लिखा हुआ रहा होगा, वो ब्लिंक कर रहा होगा। डिले 30
3000 नैनो सेकेंड्स, तो ये क्या करेगा 3000 नैनो सेकेंड्स तक वो स्क्रीन रुकी रहेगी, रुकने के यानी कि दैट मीन्स डिले करेगा 3000 नैनो सेकेंड्स तक वहाँ स्क्रीन रुकेगी और टेक्स्ट मोड वापस हम क्या कर देंगे टेथ इज टू, तो नॉर्मल हमारा टेक्स्ट मोड जो होगा वो क्या हो जाएगा नॉर्मल हो जाएगा, दैट मीन्स 80 कॉलम्स और 25 रोज की हमारी स्क्रीन हो जाएगी। वाइल वन, वाइल दैट मीन्स वाइल वन मीन्स क्या दैट इज वाइल ट्रू, हमने वापस अपने टेक्स्ट कलर क्या कर दिया दैट इज सेवन, सेवन आपका सेवन किस लिए होता है दैट इज वाइट के लिए होता है, तो आपका टेक्स्ट कलर वापस क्या हो जाएगा दैट इज वाइट हो जाएगा, स्क्रीन को क्लियर कर दिया। फिर 30th कॉलम और 20th रो पर, तो 30th कॉलम और 10th रो पर जाकर क्या प्रिंट कर दे एट रिकॉर्ड प्रिंट कर देगा, फिर 30th रो पर कॉलम पर और 12th रो पर जाकर क्या प्रिंट कर देगा दैट इज डिलीट रिकॉर्ड, फिर ऐसे 30th कॉलम और 14 पर डिस्प्ले रिकॉर्ड मॉडिफाई रिकॉर्ड और एग्जिट रिकॉर्ड प्रिंट कर देगा और फिर आपके पास मैसेज आएगा एंट्री योर चॉइस, ये मैसेज आपके पास प्रिंट हो जाएगा। फिर यूजर से जो भी आप यूजर इनपुट करेगा, सपोज यूजर ने इनपुट करा वन, तो चॉइस के अंदर क्या चला गया वन चला गया, आप क्या यूज करो स्विच केस, अगर केस वन है तो आप कौन सा फंक्शन कॉल कर लोगे एड रिकॉर्ड वाला जो फंक्शन आप बनाओगे, जिससे क्या करोगे आप एम्प्लॉय को रिकॉर्ड एम्प्लॉय रिकॉर्ड को ऐड कर सको, और ये करने के बाद वो वापस क्या करेगा आपके यहाँ से बाहर निकल आएगा, ब्रेक क्या करता है स्विच से बाहर निकल आएगा। देन अगर यूजर क्या प्रेस करता है टू प्रेस करता है तो कौन सा वाला फंक्शन कॉल करेगा डिलीट रिकॉर्ड वाला फंक्शन कॉल कर लेगा, अगर यूजर थ्री प्रेस करता है तो कौन सा फंक्शन कॉल करेगा दैट इज डिस्प्ले रिकॉर्ड वाला फंक्शन कॉल कर लेगा, अगर यूजर फोर प्रेस करेगा तो कौन सा फंक्शन कॉल कर लेगा दैट इज मॉडिफाई रिकॉर्ड वाला फंक्शन कॉल कर लेगा, अगर यूजर फाइव प्रेस करेगा तो उस कंडीशन में क्या करेगा जो आपकी फाइल ओपन है उसको क्लोज कर देगा और आपके प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा, एग्जिट जीरो क्या करेगा आपके प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। अगर इन यानी दैट मीन्स वन टू थ्री फोर और फाइव के अलावा यूजर कोई और की प्रेस करता है तो आपके पास क्या मैसेज आ जाएगा दैट इज इनवैलिड चॉइस, ये तो आपकी मेन स्क्रीन डिस्प्ले करने के लिए और आपकी चॉइस लेने के लिए ये आपका प्रोग्राम मेन प्रोग्राम हो गया। अब हमें आज जो करना है वो क्या करना है एड रिकॉर्ड और डिस्प्ले रिकॉर्ड वाला फंक्शन बनाकर देखना है। चलिए तो आपको मैं एड रिकॉर्ड और डिस्प्ले रिकॉर्ड वाला फंक्शन बनाकर दिखा देता हूं। तो सबसे पहले हम कौन सा ले लेने दैट इज एड रिकॉर्ड, एड रिकॉर्ड वाले फंक्शन के अंदर हमने क्या करा है दैट इज एक नाम दिया फंक्शन का एड रिकॉर्ड, हमने एक वेरिएबल लिया कैरेक्टर अनदर इक्वल्स टू वाई, बाय डिफॉल्ट हमने अनदर की वैल्यू क्या रखी वाई रखी है दैट मीन्स ये रखा है, स्क्रीन को क्लियर करें। एफ सीक फंक्शन क्या करेगा आपके फाइल के पॉइंटर को प्लेस करने के लिए काम में आता है, एफ पी दैट मीन्स उस फाइल के अंदर जीरो जीरो से स्टार्ट करेगा, सीक एंड दैट मीन्स आपका कर्सर कहां पर रख देगा एंड ऑफ द फाइल पर रख देगा, बाय डिफॉल्ट जब फाइल ओपन होती है तो आपका कर्सर फाइल की बिगनिंग में प्लेस हुआ होता है, तो हम क्या करेंगे अपनी फाइल का जो कर्सर है वो एंड में रख देंगे। व्हाइल अनदर इक्वल्स टू यस, जब तक अनदर के अंदर की वैल्यू क्या है दैट मीन्स यस है तो क्या करेगा ये आपसे ऑप्शंस पूछते रहेगा, सबसे पहले आपसे क्या पूछेगा एंटर अ नेम, आप नेम को स्कैन एफ ई डॉट नेम दैट मीन्स स्ट्रक्चर के नेम ई जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया था स्ट्रक्चर का उसके नेम वेरिएबल के अंदर वैल्यू चली आएगी जो आप इनपुट कराओगे, फिर जो आप एज इनपुट कराओगे वो एज वेरिएबल के अंदर वैल्यू चली आएगी, फिर वो आपको सैलरी के लिए मैसेज देगा, आप जो सैलरी इनपुट कराओगे वो सैलरी वेरिएबल के अंदर वैल्यू चली आएगी, एम्प्लॉय आईडी जो इनपुट कराओगे वो ई आईडी के अंदर ई डॉट आईडी के अंदर वैल्यू चली आएगी। अब ये आपके पास वैल्यूज किसके अंदर आ गई, नेम के अंदर वैल्यू आ गई, एज के अंदर वैल्यू आ गई, देन सैलरी के अंदर वैल्यू आ गई, देन आपकी आईडी के अंदर वैल्यू आ गई, ये चार वेरिएबल्स के अंदर आपके पास वैल्यू आ गई है, और ये किसके अंदर स्टोर है दैट इज ई नाम का जो स्ट्रक्चर है ये आपका क्या है स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट जो है आपका स्ट्रक्चर का जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर जो वैल्यू आपकी दैट मीन्स स्टोर हो गई है इस ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर। फिर आप क्या कर रहे हो एफ राइट फंक्शन क्या करेगा फाइल के अंदर लिखने के लिए काम में आता है, किसको राइट करेगा एम्परसेंट इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यूज है दैट मीन्स इसके अंदर जो वैल्यूज है, साइज क्या है साइज हमने क्या लिया था दैट मीन्स इस ऑब्जेक्ट का जो हमने साइज लिया था दैट मीन्स इस ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा उतनी बड़े उतने ज्यादा उतने बाइट्स वो इस फाइल के अंदर लिख देगा दैट मीन्स ये क्या करेगा वन और एफ पी दैट मीन्स किस फाइल के अंदर लिखेगा जो आपका इस फाइल को रेफरेंस कर रहा होगा।
फिर यूजर से वो पूछेगा आप अनदर रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हो, अगर यूजर कहता है येस तो वापस वो लूप के अंदर चला जाएगा, अगर यूजर यूजर वाई के अलावा कोई कोई की प्रेस करता है तो वो बाहर आ जाएगा। ये तो आपका रिकॉर्ड ऐड करने के लिए हो गया। अब हम कर लेते हैं डिस्प्ले करने के लिए। डिस्प्ले करने के लिए आपको क्या है, अगेन आपने स्क्रीन क्लियर करी, रिवाइंड एफपी। रिवाइंड एफपी क्या करेगा, आपके जो फाइल का पॉइंटर होगा वो बिगनिंग ऑफ अ फाइल प्लेस कर देगा। आपका फाइल पॉइंटर कहीं भी हो तो आपका फाइल पॉइंटर कहाँ कहाँ रख देगा, बिगनिंग ऑफ फाइल। फिर आपने प्रिंट करा दिए, ये डैशेस डैशेस सारे प्रिंट करा दिए, फिर नेम टैप एज टैप सैलरी टैप आईडी प्रिंट करा दिया, फिर उनकी वैल्यूज प्रिंट करा दी, ई डॉट नेम ई डॉट एज और ई डॉट सैलरी और ई डॉट आईडी जो आई थी वो आपने प्रिंट करा दिए, फिर आपने डैश डैशेस प्रिंट करा दिया। देन आप क्या कर रहे हो, एफ डॉट रीड, वाइल एफ डॉट रीड दैट, ये लूप कब तक चलता रहेगा, जब तक इस फाइल के अंदर रिकॉर्ड्स मिलते रहेंगे। कहाँ से मिलेंगे, दैट इज किसके अंदर रिकॉर्ड रीड करेगा, रीड करेगा इस ऑब्जेक्ट के अंदर, साइज के इक्विवेलेंट जो रिकॉर्ड होगा वन, अगेन आपको डिफॉल्ट देना ही है। और एफ पी क्या, दैट इज फाइल पॉइंटर से, जब तक क्या होता है इक्वल्स टू वन, जब तक ये ट्रू रहता है, जब तक इसके अंदर रिकॉर्ड्स मिलते रहेंगे उनकी वो वैल्यूज वो प्रिंट करता रहेगा। चलिए मैं आपको इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अपना सी ओपन कर लेता हूँ। अपना प्रोग्राम ओपन कर लेता हूँ, दैट इज ईएमपी डॉट सी। देखिए अब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ, ये 4+128 से ब्लिंक कर रहा है और 3000 नैनो सेकंड रुकने के बाद वो इस स्क्रीन पर आ गया। अब आपके पास जो मेन प्रोग्राम के अंदर था मेन्यू था वो आपके पास यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर कोई और की प्रेस करता हूँ, 7 प्रेस कर रहा हूँ, तो आपके पास क्या आना चाहिए, इनवैलिड चॉइस आना चाहिए। वो आया और वापस क्लियर हो गया, वहाँ पर हमने वो उसको रोका नहीं है। अगर हम वहाँ पर डिस्प्ले कराते रुकते तो वहाँ पर डिस्प्ले हो जाता। मैं यहाँ पर क्या प्रेस कर रहा हूँ, 1, दैट मीन्स एड रिकॉर्ड। तो वो मुझसे क्या पूछा, नाम, तो मैं यहाँ नाम दे दे रहा हूँ अपना, फुल फॉर्म, एज दे दे रहा हूँ, देन सैलरी दे दे रहा हूँ और एम्प्लॉय आईडी दे दे रहा हूँ। वॉन्ट टू एड अनदर रिकॉर्ड, यस, नाम एंटर कर रहा हूँ, दैट इज अमित, एज इनपुट कर रहा हूँ, दैट इज 32, सैलरी इनपुट कर दे रहा हूँ, दैट इज 10,000, एम्प्लॉय आईडी इनपुट कर दे रहा हूँ, दैट इज 182। आपको कोई और रिकॉर्ड ऐड करना है, मैं प्रेस कर रहा हूँ एन, तो मैं इससे बाहर आ गया और कहाँ पे आ गया, वापस मेन मेन्यू में आ गया। अब मुझे अपने रिकॉर्ड डिस्प्ले करना था, उसके लिए मुझे क्या प्रेस करना है, दैट इज 3 प्रेस करना है। जैसे ही मैं 3 प्रेस करूँगा तो इसके अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं जो मैंने पहले भी फीड करे होंगे वो सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पर आ गए। जैसे मैं कोई की प्रेस करता हूँ तो मैं यहाँ से बाहर आ जाऊँगा। अब मैं 5 प्रेस करूँगा तो मैं क्या करूँगा, एग्जिट कर दूंगा। चलिए मैं ये तो बंद कर देता हूं। तो अभी जो हमने करा वो क्या करा, अपनी फाइल के अंदर एम्प्लॉय का रिकॉर्ड ऐड करा और डिस्प्ले कराया। नेक्स्ट टाइम जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, रिकॉर्ड को मॉडिफाई करेंगे प्लस हम क्या करेंगे, डिलीट कर देखेंगे रिकॉर्ड को। तो इस प्रोग्राम के अंदर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। थैंक यू।